हेलो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाला हूं। नेसेसरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको हो, सारी क्वेरीज आपकी हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं, वहां से आप लोग जो भी क्वेश्चन चाहे उस क्वेश्चन को चूज करके सिर्फ उसका आंसर देख सकते हो। जस्ट गो इन टू द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन पास किया हुआ है एंड चोजन फॉर द साइंस स्ट्रीम, और लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन से बहुत सारे डाउट्स है पेरेंट्स को स्पेशली, तो उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपके लिए कुछ FAQs, जनरली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। जस्ट विल गो थ्रू वन क्वेश्चन वन बाय वन एंड हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सर, डमी और इंटीग्रेटेड कॉलेज या फिर रेगुलर कॉलेज के लिए क्या चूज करें। याद रखना, 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना है या फिर कौन सी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना है आफ्टर 12th, उन एग्जाम के हिसाब से आपको ये चूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक जेई, नीट, फॉर दैट मैटर नाटा, डिजाइन के लिए कुछ बच्चे जाते हैं, या फिर आप लोग लॉ की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो वो सारे नेशनल लेवल की एग्जाम जो होती है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री टाइम फॉर द सेल्फ प्रिपरेशन। तो कॉलेज करके एकेडमी अगर आपने लगाई हुई है तो एकेडमी करके इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव यूर सेल्फ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री टाइम, तो उस टाइम पे आई सजेस्ट गो फॉर द डमी और इंटीग्रेटेड कॉलेजेस, एल्स रेगुलर कॉलेज के लिए जाना बेटर रहता है। लाइक आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर दैट मैटर, तो आप रेगुलर कॉलेज में जाओगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएचटी, सीटी एंड आईटीजेई। वैसे बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, अलग अलग है, ठीक है ना। मैं नीचे लिंक दे देता हूं आपको ब्रोशर की, वहां पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। यहाँ पे बस मैं आपको एक छोटी सी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि दोनों एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इनके लिए आपने 12th स्टैंडर्ड PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अपेयरिंग फॉर एमएचटी, सीटी एंड आईटीजे। बाकी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, लिंक पे जाओ, यू विल गेट द एवरीथिंग। दूसरा, हाउ द सिलेबस ऑफ एमएचटी सीटी एंड जेई डिफर। एमएचटी सीटी का सिलेबस होता है 12th महाराष्ट्र स्टेट का सिलेबस, थोड़े से चैप्टर 11th में से आते हैं, लेकिन 80% ऑफ द पेपर विल बी ऑन द 12th सिलेबस, 20% ऑफ द पेपर विल बी ऑन द 11th सिलेबस, वो भी पूरा 11th का सिलेबस नहीं होता, 20 छोटे से कुछ चैप्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं, उन चैप्टर में से ही आएगा आपको। ऑन द कॉन्ट्ररी, जेई का जो सिलेबस होता है, जेई का सिलेबस होता है 11th एंड 12th का, समझो ठीक से, 11th एंड 12th का पूरा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो जेई का सिलेबस है। आर द एग्जाम पैटर्न सिमिलर फॉर एमएचटी सीटी एंड जेई? वैसे देखा जाए तो एग्जाम पैटर्न सिमिलर होते हैं, लाइक दोनों एमसीक्यू टेस्ट है, दोनों 3 घंटे के टेस्ट होते हैं, 3 घंटे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन सही है, लेकिन एग्जाम पैटर्न सेम है, पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, लाइक कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड देर आर स्मॉल स्मॉल चेंजेस। मैं नीचे एक पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट आईटी जेई एमएचटी सीटी, अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न कैसे होते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं और उनका सिलेबस क्या होता है, उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एग्जाम पैटर्न हो गया, उसके बाद विच एग्जाम होल्ड्स मोर वैल्यू एंड एमएचटी सीटी। ये थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछा जाता है बहुत बार मुझे कि सर कौन से एग्जाम लेना अच्छी है, एमएचटी सीटी और आईआईटी जेई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ना आप टीचर से पूछने से बेटर है कि बच्चे से पूछो कि वेदर ही वॉन्ट टू गो फॉर आईआईटी जेई और एमएचटी सीटी। एमएचटी सीटी का पेपर पैटर्न जो है वो कंपेरेटिवली ईजी होता है देन दैट ऑफ आईआईटी जेई। आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन बहुत रिगरस, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत देर के लिए चलता है, अनलाइक एमएचटी सीटी। तो आप आपके बच्चे के साथ, आपके किड के साथ, स्टूडेंट के साथ बैठ के यू हैव टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर एमएचटी सीटी और आईआईटी जेई। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं कि जो बच्चे आईआईटी जेई करते हैं बिकॉज बहुत सारे दोस्त उनके आईआईटी जेई कर रहे हैं, इसलिए वो भी आईआईटी जेई के लिए जाते हैं, 2 साल तक वो ड्रैग होते रहते हैं विदाउट एनी रिजल्ट इन द एकेडमिक एग्जामिनेशंस, और एंड में जाके अभी उनको मीडियोकर रिजल्ट मिलता है या फॉर बहुत कम मिल जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरा ऐसा कहना होता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू डू द आईआईटी जेई, शायद आपको अभी पता है या फिर आपको थोड़ी दिनों बाद पता चलता है, देन गो फॉर द एमएचटी सीटी। लेकिन अगर वैल्यू बोला जाता है
तो दोनों एग्जामिनेशन जो होती है वो अपना अपना वैल्यू कैरी करके चलती है. देर इज नॉट लाइक कि जेई एग्जामिनेशन हार्ड है तो वो ज्यादा वैल्यू की है एंड सीटी एग्जामिनेशन है तो कम वैल्यू की, ऐसा कुछ नहीं है. डोंट गो फॉर दैट पार्ट, ठीक है ना. आपको जो सुटेबल करती है, आपको जो सूट होती है एग्जामिनेशन, दैट कैरीज मोर वैल्यू फॉर यू. सो ये याद रखना कि ये दोनों एग्जामिनेशन डिपेंड करता है, बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है कि ये कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप जा रहे हो, ये डिपेंड करता है आप पे. विच एग्जाम इज मोर कॉम्पिटेटिव, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत सही है. बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे चूज करते हैं कि सर एमएससी सीटी कर लेंगे बिकॉज आईआईटी जेई हार्ड है. लेकिन द प्रॉब्लम इज एमएससी सीटी का पेपर पैटर्न आईआईटी जेई से इजी है एंड दैट्स द प्रॉब्लम विथ जेई सीटी. बिकॉज एमएससी सीटी का पेपर पैटर्न इजी है इसलिए सबको ही अच्छे मार्क्स आते हैं थोड़ा प्रिपरेशन करने के बाद भी. तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके, बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग करके, बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं एमएससी सीटी में. यानी अल्टीमेटली आप आईडी जेई के लिए जितना प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने एफर्ट्स ले रहे हो, एमएससी सीटी के लिए उतने एफर्ट्स लेने पड़ते हैं. जस्ट द डिफरेंस इज आईडी जेई जो होती है उसमें एक एक्स फैक्टर लगता है जो आपका ट्रिगर होना पड़ता है इन 11th 12th कभी ना कभी टू गेट इन ट्यून विद द आईडी जेई. लेकिन एमएससी सीटी में जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, दैट्स इट. जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. याद रखना एमएससी सीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन हमेशा कंसिडर की जाती है, अंडर एस्टिमेट की जाती है कि एमएससी सीटी हो ही जाएगा, नहीं होगा. बिकॉज इफ यू स्कोर मीडियोकर इन द एमएससी सीटी एग्जामिनेशन आपको बहुत खराब कॉलेजेस मिलेंगे. यू वोंट बी एन इंजीनियर, यू विल बी जस्ट हैविंग द बीए और बीटेक डिग्री, यू वोंट बी एन इंजीनियर. तो ये याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर कौन से एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव है पूछा जाता है तो दोनों एग्जामिनेशन इक्वली कॉम्पिटेटिव है, याद रखना. What are the benefits of cracking MHCCT? MHCCT crack करने के बाद आपको महाराष्ट्र के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है डायरेक्टली, एक्सेप्ट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक MIT है या फिर DY पाटिल की खुद की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी है वो, एंड देर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज लाइक दैट कि जहां पे आपको MHCCT नहीं उनकी एग्जाम देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज PARA-CET. तो वो एग्जामिनेशन देनी पड़ती है. ये एग्जामिनेशन देखिए, आप गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज accredited यूनिवर्सिटीज होती है उन यूनिवर्सिटीज के अंडर जो भी कॉलेज आते हैं उन सारे कॉलेज में आप जा सकते हैं. What are the benefits of cracking ITJ? ITJ के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ITJ mains, ITJ advance. ITJ mains और ITJ advance दोनों हो जाते हैं तो you get into the IITs. अगर आपका ITJ mains हो जाता है लेकिन advance नहीं हो पाता है, then you can go for NITs, I2ITs. एक छोटा सा कैच यहाँ पे भी है कि महाराष्ट्र के भी जो भी कॉलेजेस हैं उन सारे कॉलेजेस में भी JE का एक कोटा होता है, तो यू कैन enter into those colleges also using the JE quota. Which exam is more suitable for the student aspiring pursue engineering in Maharashtra? हाँ, ये वाला question. अभी इससे पहले वाले question में मैं आपको बोला था कि महाराष्ट्र के कॉलेज में आप JE mains के score के थ्रू भी admit हो सकते हो, लेकिन the problem is JE में जो score आपको करना पड़ता है उसके लिए लगने वाले efforts और वो score acquire करने के बाद आपको मिलने वाले number of seats per college ये बहुत छोटे हैं और score उसके लिए आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है. ऑन द कॉन्ट्ररी उतने ही एफर्ट्स में आप लोग सीटी में अगर अच्छा स्कोर लाते हो तो आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं. तो भले ही जेई के स्कोर पे आपको एडमिशन मिलता हो लेकिन जेई का स्कोर भी आपका बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए एंड नंबर ऑफ सीट्स भी कम हो जाते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ओवरऑल कम हो जाती है. ऑन द कॉन्ट्ररी सीटी में आप उतने ही एफर्ट्स में बहुत अच्छा कॉलेज ग्रैब कर सकते हो बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स फॉर द सीटी स्टूडेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द जेई स्टूडेंट इन द महाराष्ट्र कॉलेजेस. सो मुझे लगता है कि अगर इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में करनी है तो बेटर टू फोकस ऑन द सीटी. कैन स्टूडेंट प्रिपेयर साइमल्टेनियसली फॉर एमएससी सीटी एंड आईटी जेई? नहीं, इट्स अ मिथ कि अगर आईटी जेई करेंगे तो सीटी हो जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत कम कि जो आईटी जेई और सीटी दोनों में स्कोर अच्छा लाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो दोनों एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं वो दोनों में मीडियोकर स्कोर लेके आते हैं. तो माय सजेशन टू यू इज कि ईदर एमएससी सीटी और आईटी जेई दोनों में से एक एग्जामिनेशन चूज करो और एक एग्जामिनेशन चूज करके उसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना शुरू करो. दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी यू कैन गो फॉर. तो फोकस रहेगा, यू कैन गो अलॉन्ग. बेसिकली एमएससी सीटी और आईटी जेई भले इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो लेकिन उनका पूरा एटीट्यूड ही अलग है. आर द कोचिंग रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट फॉर द एमएससी सीटी एंड आईटी जेई? एब्सोल्युटली. ये चीज तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि जेई का पेपर पैटर्न जो होता है वो हार्ड होता है देन एमएससी सीटी.
तो अगर जेई के पेपर पैटर्न के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका लेवल बहुत अप होना चाहिए, दैट टू इन अ वेरी डिफरेंट वे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि सर हार्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इजी हो जाएगा, नहीं, एटीट्यूड, मैं जो बोल रहा हूँ वो एटीट्यूड ही अलग है दोनों का, स्पीड के हिसाब से, थॉट प्रोसेस के हिसाब से, बहुत सारी चीजों के हिसाब से जेई और सीटी बहुत अलग अलग है। तो इफ यू आर डिसाइडेड टू गो फॉर ईदर तो उसका स्पेशल कोचिंग ले लो, यानी जेई के लेक्चर में सीटी का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों ने बैठना और सीटी के लेक्चर में जेई के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों ने बैठना, दोनों खराब है दोनों के लिए। तो याद रखना कि दोनों का कोचिंग रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन एमएससी सीटी एंड आईटीजेई, तो आईटीजेई का लेवल बहुत हाई होता है, हाई इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज उसका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, 2 साल का सिलेबस होता है एनसीईआरटी का, एंड प्लस देर आर मेनी थिंग्स विच यू हैवंट लर्न इन दैट वे कभी स्कूल में, इसलिए हमें जेई का एग्जामिनेशन थोड़ा सा अलग लगता है देन दैट ऑफ द सीटी। सीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन होती है, जेई थोड़ी सी अलग टाइप की एग्जामिनेशन होती है जैसे हमने कभी पढ़ा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। What are the recommended study materials and resources of the MHCET and IITJEE preparation? याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एंड माई सजेशन विल बी जिन लोगों ने अकेडमी ज्वाइन की हुई है ना, मुझे लगता है कि अकेडमी के मटेरियल पे ब्लाइंड फेथ रखो, ठीक है ना। घर में अननेसेसरी अकेडमी के मटेरियल के साथ बहुत सारे बुक्स जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले अकेडमी ने जो भी मटेरियल दिया हुआ है वो मटेरियल चूज करो एंड गो फॉर इट, पहले वो खत्म करो, देन आस्क यूर टीचर कि कौन सा वाला मटेरियल यूज कर सकते हैं सर इसके ऊपर। दूसरा, जो लोग घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर नॉट जॉइनिंग एनी अकेडमी, उन बच्चों के लिए ये होता है कि वो बच्चे, जो बच्चे घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से कोई भी, डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिकेशन, आप इंटरनेट पे जाओगे तो कोई भी पब्लिकेशन की बुक्स ले लो, एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स माय ऑलवेज माय टेक इज कि सारे फेमस पब्लिकेशंस, पॉपुलर पब्लिकेशन जो है उनके सारे बुक्स अच्छे हैं, तो ये अच्छा बुक वो अच्छा बुक, डोंट वरी, एक पब्लिकेशन चूज करो, बुक्स उस सब्जेक्ट के लिए ले लो, कंप्लीट करो, देन गो फॉर समथिंग एल्स। अननेसेसरी बहुत सारा फाइल करने की जरूरत नहीं है बुक्स के लिए। आर देयर एनी चेंजेस इन द अपडेट्स इन द एग्जामिनेशन पैटर्न? अभी तक तो कुछ नहीं आया है कि एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, जो भी पता चलेगा हम लोगों को रफली सितंबर अक्टूबर के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक के लिए तो कोई चेंजेस नहीं आए, इतने जल्दी आते भी नहीं है। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन जैसे, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था जेई के बच्चों को कि सीबीएसई ने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के सिलेबस में से कुछ कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए थे, एंड वो चैप्टर्स जेई ने कुछ बताया नहीं, एंड देयर वर फ्यू क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन दो चैप्टर्स, तो इसलिए जेई के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन था। नेक्स्ट ईयर भी वैसे ही रहेगा कि सीबीएसई का सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी के बुक्स में वो चैप्टर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो चैप्टर्स अभी के लिए टिल टुडे जेई के लिए प्रिपरेशन में इंक्लूडेड हैं, तो यू आर सपोज टू डू दैट। सो दैट्स ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी फ्रॉम द पेरेंट्स। अगर आपको कुछ भी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, एंड इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स तो यू कैन गिव मी अ कॉल, आपको कॉल भी किया जा सकता है मुझे। थैंक यू वेरी मच, बाय।